हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दैट्स क्रेजी प्रो। होप आप लोगों का सबका पूजा अच्छा ही गया होगा। मेरा भी ठीक ठाक गया है, इतना अच्छा भी नहीं इतना बुरा भी नहीं। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेके आई हूँ वो एक स्पेशल किसी ने मुझे रिक्वेस्ट किया है, तो उसका नाम मैं बता देती हूँ। वो है अंकिता। थैंक यू सो मच अंकिता कि आपने मुझे ये रिक्वेस्ट किया है ये वीडियो बनाने के लिए। और आप नाराज़ भी हुए क्योंकि मुझे ये वीडियो अपलोड करने में थोड़ा टाइम लग गया, थोड़ा नहीं बहुत टाइम लग गया, क्योंकि पूजा आ गया था बीच में, तो पूजा के लिए थोड़ा इधर उधर हो गया और थोड़ा इधर उधर का मुझे प्रॉब्लम भी था, इसीलिए मुझे ये वीडियो अपलोड करने में थोड़ा टाइम लग गया। तो डोंट माइंड, आज आपके लिए ये वीडियो मैं लेके आई हूँ, सिर्फ आपके लिए नहीं, वो सभी पेरेंट्स के लिए जो न्यू पेरेंट्स हुए हैं, तो सबका ही ये क्वेश्चन होगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि प्राइवेट पार्ट्स कब ओपन होता है, इसका कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। आप खुद सोचिएगा, खुद ध्यान दीजिएगा कि हम लोग के लाइफ में कोई भी चीज़ क्या टाइमिंग पे होता है। आप बेबी का ही पकड़ लीजिए, कोई बेबी अभी 4 मंथ में बैठना सीखता है, कोई बेबी 7-8 मंथ में जाके बैठना सीखता है, किसी बेबी का 4-5 मंथ में दांत आ जाता है, किसी का 1 साल लग जाता है दांत आने में। तो ये कोई फिक्स टाइम नहीं है। तो बेबी का प्राइवेट पार्ट भी ओपन होने के लिए कोई भी फिक्स टाइमिंग नहीं है, ठीक है। लेकिन आप कुछ मतलब बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप केयर ले सकते हैं, आप बेबी का प्राइवेट पार्ट का केयर ले सकते हैं, जिसके वजह से वो जल्दी ओपन होगा, ठीक है। तो अंकिता ने जो रिक्वेस्ट किया है, बहुत अच्छा रिक्वेस्ट भेजा है अंकिता ने, क्योंकि ऑलमोस्ट जो न्यूली पेरेंट बनते हैं, अंकिता भी न्यूली पेरेंट बने हैं, उनका 5 मंथ का बेबी है, तो जो न्यूली पेरेंट बनते हैं ना, तो उनका ध्यान ये प्राइवेट पार्ट में नहीं जाता है। जैसे मेरे केस में भी हुआ था, मेरे जैसे ट्विन बेबी हुआ था, वो लोग प्री मैच्योर भी हुए थे, तो मुझे भी ध्यान नहीं गया। फिर मेरे मम्मी ने एक बार गाइड किया है कि इसका ध्यान रखना है, ऐसे करना है वैसे करना है, तो जैसे मुझे मम्मी ने बोला है मुझे अच्छा लगा, तो वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ वीडियो में। तो 3 चीज़ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। नंबर 1 जो है वो है पानी का धार। जब आप बेबी को नहलाएंगे, आपके पास अगर हैंड शावर है, क्योंकि उसमें पानी का स्पीड बहुत ज़्यादा आता है ना, तो बेबी का जो ब्राउन वाला स्किन है वो थोड़ा नीचे करके एकदम टॉप में, एकदम ऊपर में आपको पानी का धार देना है। तो उससे क्या होगा, बेबी का वो जो ऊपर का पोर्शन है वो क्लीन हो जाएगा और थोड़ा खुल भी जाएगा, उसका मुंह थोड़ा खुल ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ करके देखिए, मुझे तो अच्छा लगा, आप लोगों को भी शायद अच्छा लगे, ठीक है। लेकिन मुझे एक ही चीज़ बहुत अच्छा लगा, जो लास्ट पॉइंट है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो नंबर टू जो है वो है ऑयल मसाज करना। आप सरसों का तेल ही यूज़ कीजिए, मैंने सरसों का तेल ही यूज़ किया था। ऑयल मसाज आप जैसे बेबी का ब्राउन वाला स्किन, वो थोड़ा नीचे करके ऊपर ऑयल देके फिर वो स्किन थोड़ा ऊपर नीचे कीजिए, तो उनका जो प्राइवेट पार्ट है वो स्मूथ रहेगा, वो सॉफ्ट रहेगा, मॉइस्चर रहेगा, और बेबी को सुसु करने में भी आसानी होगा, स्किन ड्राई नहीं होगा बिल्कुल भी, और उन लोगों को भी आराम मिलेगा। आपको मतलब सॉफ्ट रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि स्किन ड्राई हो जाता है तो इरिटेशन तो होता ही है। हम लोग का स्किन अगर ड्राई हो गया तो हम लोग इरिटेशन होता है हम लोग को, तो हम लोग क्रीम लगाते हैं, लोशन लगाते हैं, ऑयल मसाज करते हैं ना, तो ऐसे बेबी का भी स्किन ड्राई होने मत दीजिए, स्पेशली प्राइवेट पार्ट का स्किन ड्राई होने मत दीजिए। तो ये हो गया नंबर 2 पॉइंट। नंबर 3 पॉइंट जो है वो मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगा, वो है हवा ब्लो करना। अब हवा ब्लो कैसे करें, तो बहुत ही इजी है। आप बेबी का ब्राउन वाला पोर्शन थोड़ा नीचे करके एकदम टॉप में, जहाँ पे आप पानी देते हैं या फिर ऑयल पुट करेंगे, वहाँ पे आप मुँह से करिएगा ज़ोर से, जैसे पानी का धार मैंने बोला है ज़ोर से देना है, वैसे हवा भी ज़ोर से देना है, तो देखिएगा उसका जो स्किन है वो होल ऑटोमेटिक आ जाएगा, होल ऑटोमेटिक आके स्किन ऐसे हट जाएगा उसका, ठीक है। तो वो जो मुंह है वो ओपन हो जाएगा, थोड़ा ओपन मतलब पूरा ओपन नहीं होगा, लेकिन वो जब आप हवा ब्लो करेंगे तब ओपन हो जाएगा। तो ऐसे करते 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 हो सकता है आपका बेबी का ओपन ही हो जाएगा पूरा प्राइवेट पार्ट। तो ये चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, वो ध्यान रखिएगा, टेंशन लेने का कोई चीज़ नहीं है।
बंद सुसु कुछ इस तरह से दिखाई देगा और ओपन सुसु इस तरह का होगा। होप आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया होगा। मुझे स्पेशली ये नंबर 3 वाला पॉइंट बहुत अच्छा लगा। जब मैं हवा ब्लो करती थी या फिर करती हूँ तो ऐसे मतलब हो जाता है स्किन, ठीक है। तो ये वाला आप लोग करके देखिएगा, मुझे तो अच्छा लगा, आप लोगों को भी अच्छा लगा कि आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं मुझे। या फिर आप लोग के पास भी अगर और भी तरीका है तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे तो ये तीन ही चीज़ पता है और तीन ही चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। तो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूँ आपको, जो बेबी न्यूली बॉर्न होते हैं ना, तब से लेके जब तक बेबी मूव नहीं कर सकता है, मतलब 5 महीने 6 महीने, तब तक आप रेगुलर बेसिस पे मसाज तो करेंगे पूरा बॉडी का, लेकिन ये प्राइवेट पार्ट का मसाज दिन में 3 से लेकर 4 बार कीजिएगा। क्योंकि तब न्यूली बॉर्न होता है ना, तो उन लोगों को ज़्यादा चाहिए ये सब चीज़, ठीक है। तब बड़े होने के बाद जब मूव कर सकेंगे वो लोग और करने नहीं देगा ये सब चीज़, क्योंकि भागता रहेगा। मेरा तो अभी इन दोनों के पीछे भागते भागते ही चला जाता है, ऑयल मसाज करने ही नहीं देता। एक वीडियो है भी, आप देखिएगा किस तरह से मैं ऑयल मसाज कर रही हूँ। ऊपर से सर्दी वर्दी लगता है तो ज़्यादा करना पड़ता है, बिल्कुल भी करने नहीं देता है। तो जब तक वो लोग मूव नहीं कर सकता है तब तक आराम से आप कर सकते हैं। जो फर्स्ट वाला पॉइंट मैंने बोला है पानी का धार, वो तो एक टाइम ही हो सकता है, जब बच्चे को नहलाएंगे तभी कर सकते हैं, एक बार ही होगा। लेकिन ऑयल मसाज और जो हवा ब्लो करना, वो आप दिन में 3-4 बार कीजिए। बहुत ही मतलब अच्छा पॉइंट है मेरे हिसाब से। तो ये वीडियो देखिएगा ज़रूर और बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा वीडियो। और अंकिता, थैंक यू सो मच अगेन और सॉरी अगेन, आगे मुझे लेट हो गया ये वीडियो अपलोड करने में। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको फिर से कुछ जानना है, किसी को भी कुछ जानना है, आप लोग मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगी। देर हो सकता है लेकिन बनाऊँगी ज़रूर, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और अपने बेबी का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा।